हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि सीटेट का फॉर्म आ चुका है, जुलाई में उसका एग्ज़ाम है। तो अब हम सीटेट के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सीडीपी। सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी। तो चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास। तो बाल विकास में जो सबसे पहला चैप्टर आता है वो है विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध। मैंने यहाँ पे कुछ शॉर्ट नोट्स तैयार किए हुए हैं जिनसे मैंने पढ़ा था और मैंने कैसे अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्लियर किया था। तो धीरे धीरे हम इसके बारे में भी बात करते रहेंगे। आपको स्ट्रेटजीज और कैसे तैयारी करनी है वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट इसके अंदर आता है वो आता है विकास की अवधारणा। तो पहली बात होती है कि विकास होता क्या है। तो विकास जो होता है वो जीवन भर चलने वाली एक अविरल क्रमिक तथा सतत प्रक्रिया होती है। ये जो बच्चा जब जन्म लेता भी नहीं है, मतलब जब वो माँ के गर्भ में रहता है तब से विकास स्टार्ट हो जाता है और ये प्रक्रिया जीवन भर चलती है। और विकास के अंतर्गत जो हमारे शरीर में या बालक में क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो होते हैं शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक और सामाजिक विकास। ये सब जो तत्व है वो विकास के अंतर्गत आते हैं। अब उसके बाद आता है कि बाल विकास से क्या तात्पर्य है। तो बाल विकास की जो प्रक्रिया होती है वो बालक की विकास की प्रक्रिया है जो कि उसके जन्म से पूर्व गर्भ में ही प्रारंभ हो जाती है। और विकास की इस प्रक्रिया में वह गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था इत्यादि अवस्थाओं से गुजरता है। तो ये सारी अवस्थाएं आपको इसके अंतर्गत पढ़नी होगी, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट होती है, जो जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं सीटेट में, वो बनते हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इनमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है बाल्यावस्था। इसमें से बहुत क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसके बारे में हम आगे बात करते हैं। अब इसी में ही एक टॉपिक और आता है वृद्धि तथा विकास। अब ये बात की जाए कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है। तो वृद्धि जो है वो विकास से अलग कैसे है, तो इसमें हम देखते हैं कि इनमें अंतर क्या है। तो सबसे पहला है कि वृद्धि जो होती है वो परिमाणात्मक होती है। सबसे पहला होता है कि परिमाण क्या होता है। तो परिमाण के अंतर्गत जो होते हैं कि वो बालक के बच्चे की लंबाई, आकार, इसमें ऊंचाई, इसमें परिवर्तन होता है। जबकि विकास के अंतर्गत क्या आता है, विकास के अंतर्गत परिमाण में तो परिवर्तन हो गई, साथ ही उसके व्यवहारिक परिवर्तन भी होते हैं, उसके व्यवहार में भी परिवर्तन होता है। मतलब जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी लंबाई में वृद्धि होती है तो उसकी कार्य कुशलता और कार्य क्षमता यानी काम करने की जो कुशलता होती है उसमें भी धीरे धीरे सुधार आता है, उसमें भी परिवर्तन होता है। उसके बाद वृद्धि होती है उसका क्षेत्र सीमित होता है, यानी वृद्धि एक आयु तक, एक एज तक ही सीमित होती है, जबकि विकास का जो क्षेत्र होता है वो विस्तृत होता है, विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। अब बात होती है वृद्धि, ये बात कर दी कि आजीवन नहीं चलती, जो ये क्षेत्र था वो सीमित था इसीलिए ये आजीवन नहीं चलती, जबकि विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। अब जो मैंने अभी बात करी थी, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं विकास की अवस्थाएं, तो पहले जो भारतीय मनीषी होते थे उन्होंने 7 कालों में इसको विभाजित किया था। इसको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है वो है ये 4 अवस्थाएं एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो ठीक है, सबसे पहली है शैशवावस्था जो कि जन्म से 6 वर्ष तक होती है। दूसरी है बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। तीसरी है किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। और चौथी है हमारी वयस्कावस्था 18 वर्ष से मृत्यु तक। तो जो इम्पोर्टेंट है वो ये 3 है। इन तीनों से एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और यही हमें पढ़नी है। तो सब मैं हमेशा इस बात पे फोकस करती हूँ कि आप क्वांटिटी ज्यादा ना पढ़े बल्कि क्वालिटी पढ़े। जो इम्पोर्टेंट है उसे पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, डिटेल में पढ़िए, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेंगे। तो इस चैप्टर से एग्जाम में जो क्वेश्चन बनने हैं वो यहाँ से बनने। आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ये लक्षण दे दिया जाएगा कि अनुकरण और दोहराने की प्रवृत्ति कब स्टार्ट होती है, किस अवस्था का लक्षण है। तो आपको 4 अवस्थाएं दे दी जाएंगी और आपको ऑप्शन चूज करना होगा। तो ऑप्शन आपका होगा शैशवावस्था। अब सबसे पहले शैशवावस्था देखा जाए तो जन्म से 6 वर्ष तक होती है। अब देखिए, इसमें जन्म से 3 वर्ष तक बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास तेजी से होता है। और इसी में ही ये आंसर भी होगा, अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे
तेज विकास किस अवस्था में होता है, तो वो होता है शैशवावस्था में। और इसमें अनुकरण की प्रवृत्ति, दोहराने की प्रवृत्ति, यानी जब बड़े कुछ कार्य कर रहे होते हैं तो छोटे जो बच्चे होते हैं शैशवावस्था के, वो उसको देख देख के दोहराने लगते हैं। सामाजिकरण भी स्टार्ट हो जाता है इसी में, और जिज्ञासा की प्रवृत्ति होने और प्रवृत्ति शुरू हो जाती है। और सबसे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाषा सीखने का सर्वोत्तम जो अवस्था है वो है शैशवावस्था। इसी अवस्था में बच्चे को जो भाषा सिखाई जाती है, वो जो आसपास अपनी भाषा देख रहा होता है उसको वो सीख लेता है। और शिक्षा की दृष्टि से भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था जो है वो है शैशवावस्था। अब उसके बाद क्वेश्चन उसके बाद जो दूसरी अवस्था आती है वो आती है हमारी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो चलती है हमारी 6 से 12 वर्ष तक चलती है। ठीक, प्रथम चरण जो होता है 6 से 9 वर्ष, इसमें जो बालक होता है उसके भार और लंबाई में दोनों में वृद्धि होती है, साथ ही साथ इसमें पढ़ाई में रुचि आने लगती है। और चौथी जो बात है, सीखने की गति मंद और सीखने का क्षेत्र विस्तृत। मैंने आपको बताया था जो सबसे पहले शैशवावस्था होती है उसमें सीखने की गति सबसे तीव्र होती है, लेकिन बाल्यावस्था में जो क्षेत्र होता है वो बढ़ जाता है, रेदर देन उसकी जो गति होती है जो वो कम हो जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो बालक होता है बाल्यावस्था होती है उसमें जब बच्चे को पढ़ाया जाता है तो शिक्षण विधियों में जो शिक्षण होता है, शिक्षण कार्य, उसमें विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों के सीखने के लिए। उसके बाद आता है हमारा किशोरावस्था। किशोरावस्था चलती है आपकी 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। ठीक है, इसके बाद किशोरों की इसमें लंबाई के साथ साथ भार एवं मांसपेशी इन सब में वृद्धि होने लगती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है इसमें कि जो 12 वर्ष से 14 वर्ष तक होता है इसमें लड़कियों में तीव्र गति से वृद्धि होती है, उसके बाद उनकी गति रुक जाती है, वृद्धि कम हो जाती है। और जबकि 14 से 18 वर्ष के लड़कों में, पहले लड़कियों में तीव्र गति से वृद्धि होती है, उसके बाद 14 से 18 में लड़कों में तीव्र गति से वृद्धि होती है। साथ ही इसमें प्रजनन अंग विकसित होने लगते हैं, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता किशोरावस्था में बालकों में बढ़ने लगती है, स्थायित्व तो आने लगता है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण जो है ये दो है, मित्र बनाने की प्रवृत्ति और सामाजिक संबंधों में वृद्धि इसमें होने लगती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मित्र बनाने की तीव्र प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है, तो इसका उत्तर होता है किशोरावस्था। नशा, अपराध, यौन समस्याएं इस अवस्था की एक बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं। उसके बाद इसी वजह से इसको जीवन के तूफानों का काल भी कहा जाता है। तो ये सारी हमारी जो बाल विकास की अवस्थाएं थी वो कंप्लीट हो गए हैं, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, और ये चैप्टर भी हमारा ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। तो इसके बाद हम दूसरा चैप्टर करेंगे और इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, और कोशिश करेंगे कि सीटेट का आपका पूरा सिलेबस जुलाई से पहले कंप्लीट हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। गुड लक फॉर एग्जाम फ्रेंड।